सब बातों को लेकर के विपक्ष मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस प्रकार का उनका व्यवहार लोकसभा के अंदर है, क्योंकि सभी सांसदों के अपने अपने क्षेत्र के काम होते हैं, वो अपने क्षेत्र की आवाज़ वहाँ पर बैठ करके सरकार के ध्यान में लगा करके उसको पूरा करवाने का काम करते हैं, परंतु विपक्ष काम के अंदर बाधा बना हुआ है, वो काम भी नहीं होने दे रहा और बिना मुद्दे के ही जिस प्रकार का व्यवहार उनका लोकसभा के अंदर है कि लोकतंत्र को भी दबाने का काम अंदर भी वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज प्रत्येक भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंकी गई और माननीय मंत्री जी हमारे जवाब दे रहे थे उनके ऊपर प्रतियां फेंकी गई, वो निंदनीय है। उसकी जितनी घटना की निंदा की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने का काम किया है, चाहे किसान को उसकी आय दुगनी करने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया, 2022 तक उसकी आय को बढ़ाने की बात, डबल करने की बात कही है, 1.5 गुना एमएसपी किसान को देने का काम किया है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के पास सीधा लाभ पहुंचाने की काम किया है, चाहे किसान को उसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुनिश्चित, उसको मजबूत करने का काम किया है, लगातार विभिन्न योजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर 80% 70% की सब्सिडी देकर के किसान को मजबूत करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, वो काम लगातार किसान के हित में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, परंतु कांग्रेस के पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम, देश का सम्मान बढ़ाने का काम, देश का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को पच नहीं रहा, उनके पेट में दर्द हो रहा है और उसको लेकर के वो लोकसभा के अंदर बाधा बने हुए हैं, लोकसभा के अंदर काम काज को रोकने में लगे हुए हैं, ये निंदनीय है। हरियाणा को मजबूत करने का काम और हरियाणा को विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा मजबूत हरियाणा को करने का काम किया, क्योंकि आज प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के हर गांव गली के अंदर जो काम हुए हैं, आज जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, गांव गांव के को रोड से जोड़ा गया है, आज चाहे रेलवे के ORB है, URB है, चाहे बहुत लंबित पड़ी काफ़ी लंबे समय की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने की बात है, या लोगों को जन सुविधाएँ पहुँचाने की बात है, सबसे ज़्यादा काम अगर मजबूती से किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा विकासशील अगर कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हुआ तो मनोहर लाल जी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हुए हैं और लगातार आम जन की समस्याओं को समझते हुए उनका निदान करने का काम कर रहे हैं।